हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्ड फिजिक्स बाय टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन कैपेसिटर पार्ट टू। इस वीडियो को भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग कैपेसिटर वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर वन से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं जिसमें किरचॉफ लॉ का यूज़ हो और कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो, मतलब अलग तरह से क्रिएटिव कॉन्सेप्ट यूज़ हो, ऐसा हम इस पार्ट में करने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए, तो कोई सा सर्किट बना लेते हैं। सर्किट मान लो, सर्किट कुछ ऐसा है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कैपेसिटर सी वन है। यहाँ पे बैटरी ई बैटरी लगाई दी है और ये हो गया अपना कैपेसिटर सी टू और पॉइंट बी हो गया। तो देखिए, इस बैटरी का जो ईएमएफ है आपको दिया गया है इज इक्वल टू 10 वोल्ट। कितना दिया है? इज इक्वल टू 10 वोल्ट। जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है -6, मतलब 1 माइक्रोफेराड है, और ये आपको दिया है 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2 × 10⁻⁶ माइक्रोफेराड है। तो सवाल आपको ये पूछा है कि बताइए भाई साहब वी ए माइनस वी बी कितना होगा, मतलब आपको पोटेंशियल पूछा है किसी भी दो पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे पोटेंशियल, थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज करो और सोचिए। चलिए, तो हम लगा देते हैं किरचॉफ लॉ। क्या लगा देते हैं? किरचॉफ लॉ। ये बैटरी का प्लस, सॉरी बैटरी का माइनस है, तो ये कैपेसिटर की माइनस प्लेट होगी, ये प्लस प्लेट होगी। ये बैटरी का प्लस है, ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए भाई साहब, यहाँ से पॉइंट वी है, ये बैटरी, ये जो कैपेसिटर की प्लस प्लेट है ना, किसी प्लेट है प्लस प्लेट, तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सो फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल प्लस प्लेट होने की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू बाई सी, और ये माइनस है तो बैटरी का लिखा जाएगा प्लस 10। ये प्लस प्लेट है, लिखो माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी। क्यू पूरे सर्किट में, क्यू पूरे सर्किट में क्या होगा, सेम ही होगा, सेम क्यू होगा, क्योंकि सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में क्यू क्या होता है, सेम होता है। तो क्यू दोनों में कॉमन आएगा, ये आएगा सी वन और ये आ जाएगा भाई सब सी टू। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, वी बी, वी ए माइनस वी बी करना है ना, तो इसलिए इसको लेके आते हैं सामने और सबको भेजते हैं सामने की साइड। तो देखिए कैसे क्या करते हैं हम। तो हम यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू, हम कर देंगे यहाँ पे -10। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा, Q हमें पता नहीं है तो Q भी हमें ढूंढना पड़ेगा जो तो पहले। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा अपना। सो सिंप्लीफाई करो, Q को ले लो कॉमन, तो 1/1 माइक्रोफराडे प्लस 1/2 × -6 -10, ये हमारा होगा आंसर, वी बी माइनस वी ए ऐसा कुछ आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखो इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इसी सवाल में एक और चीज़ पूछ सकते हैं। अभी आपको ये निकालने को पूछा है, ठीक है, हो सकता है आपको ये दे दिया जाए, मान लो आपको दे दिया जाए वी, मान आपको दिया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 5 वोल्ट, दिया कितना, दिया 5 वोल्ट। आपको पूछ ले बता दे भाई चार्ज कितना होगा, मतलब आपका पूछा चार्ज पूछ देंगे इसमें, ये वाली चीज़ पूछ देंगे, ये आपको बता दिया जाएगा 5 पूछ देंगे ये। ठीक है, तो उसके इसमें क्या करोगे, तो कोई बात नहीं, ये जो 10 लेके जाओ सामने, वी ए माइनस वी बी आपको कितना दिया, वी ए माइनस वी बी आपको दिया 5, वापस आएगा 10 + 10 इज इक्वल टू क्यू, कॉमन हो गया 1/C1 + 1/C2, ये हो गया 15। और इसका जो होगा सब कुछ होगा ऐसे C2 + C1 / C1 × C2। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 15
C1 C2 अपन C1 plus C2, तो 15 1 2 × 10⁻¹². कहाँ से ये 1 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड है, 10⁶, 10⁶ हो गया × 10⁻¹². तो C1 होगा C1 plus C2 × −6, तो ये कटा तो 30 हो गया ऊपर, हो गया नीचे 3, तो यहाँ पे देखिए −6 तो था ही, तो आएगा 10 माइक्रो कूलम। मतलब इस केस में आपको आपका जो होगा चार्ज सर्किट में वो होगा 10 माइक्रो कूलम। कितना होगा 10 माइक्रो कूलम? देखिए सवाल को अच्छे से, सवाल में क्या पूछा है, जो एक पॉइंट दिया है ए पॉइंट, C1 दिया है और बैटरी दी है ई, और C2 दिया, पॉइंट भी दिया है। तो इनिशियली आपको क्या बोला गया कि बता दो भाई साहब VA - VB बता दो, ठीक है। तो सर्किट आप लगाओ किरचॉफ लॉ, ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, नहीं आ रहा है तो NCERT बुक में जाइए, किरचॉफ लॉ देखिए अच्छे से पढ़िए कैसे क्या लगाते हैं। तो बस किरचॉफ लॉ से ये सवाल कर दिया हमने, सवाल में कुछ है नहीं इतना। तो ये हो गया अपना VA - VB। इसमें एन और काउंटर सवाल ये आ सकता है कि भाई साहब अगर तुम्हें VA - VB दे दिया गया है तो पूछ सकते कितना चार्ज इसमें फ्लो होगा, ठीक है। कुछ है नहीं सवाल में जैसे इतना। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दो। तो सवाल नंबर दो हमको ऐसा बनाते हैं, वैसे ये बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई 5 कैपेसिटर दिए हैं, 2-2 माइक्रो कूलम के, 2-2 माइक्रो फराड के कैपेसिटर हैं, तो मुझे एक कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटी हो 10 माइक्रोफराड है, या तो उसका जो नेट इफेक्टिव वोल्टेज होगा वो होना चाहिए 50 ऐसा कुछ। तो मान लो हम ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटर हमें दिया है 10 पिकोफराड दिया है, 10 पिकोफराड है, ठीक है ना। तो एक कैपेसिटर का जो है वोल्टेज है 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट वोल्टेज है। तो पूछ पहला सवाल, मतलब हम पूछ सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि जो भी है इसको यूज़ करके, मतलब ऐसे इतनों को, मतलब इस कैपेसिटर को यूज करके हमें 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर तैयार करना है और जिसकी कैपेसिटी हो 500 वोल्ट, कितनी हो 500 वोल्ट, तो कैपेसिटर कितनी हो 500 वोल्ट, तो हमें कितने सीरीज में लगाना चाहिए और कितने लगाना चाहिए पैरेलल में, ये सवाल आ सकता है। तो कैसे करोगे, स्क्रीन को पाउज करो और सोचो ढंग से। चलो हो गया हो तो देख लीजिए यहाँ पे, तो हमें चाहिए 500 वोल्ट और 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, और एक की कैपेसिटी हमारे पास है 10 पिकोफराड है, ये हमें कैपेसिटी चाहिए 2 पिकोफराड की, सॉरी माइक्रो नहीं है, पिकोफराड है, ठीक है ना। और हमें एक की जो कैपेसिटी दी है 10 माइक्रोफराड, हमें चाहिए 2 पिकोफराड का, और पूरे सिस्टम का जो नेट बनेगा और पूरे नेट की कैपेसिटी होनी चाहिए 500 वोल्ट, मतलब 500 वोल्ट सपोर्ट करना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम, तो कुछ सोचते, देखो ये 10 है, हम सीरीज में लगाते तो क्या होता है कैपेसिटेंस बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है कि कम होता है। तो सीरीज में हम कैपेसिटेंस लगाएंगे ना भाई साहब, तो क्या होता है कम होता है, क्या होता है कम होता है। दो अगर सेम लगाते हैं तो मान लो 10 माइक्रोफराड के हैं, तो इसका नेट क्या हो जाएगा 5 पिकोफराड है, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, ऐसे 5 को देख लेते कितना क्या आंसर आ रहा है, 5 1 2 3 4 5, तो एक का कितना 100 है ना, ये 100, ये भी 100, और ये 100, ये 100, ये भी 100, ये 100, और ये भी अपना हो गया 100, ठीक है। सीरीज में तो 100 100 100 100 से हो गया 5 वोल्ट, हो गया 500 वोल्ट, चलो हो गया वोल्ट, हो गया सेटिस्फाइड। अब बात करते हैं इसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो नेट कैपेसिटेंस होता क्या है, कितना 1 2 3 4 5 सेम है, तो सेम है कितने के, सेम 10 के हैं, से कितने हैं 5 है, तो ये हो गया अपने डायरेक्ट आंसर 5 2 पिकोफराड डायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए हमें, तो ये हो गया, मतलब इसका आंसर कैसा रहेगा कि हमें ऐसे 5 कैपेसिटर 10 माइक्रोफराड के 5 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने चाहिए, तो हमें जो नेट कैपेसिटर मिलेगा वो 500 वोल्ट का होगा, मतलब 500 वोल्ट का होगा, और नेट कैपेसिटेंस होगा 2 पिकोफराड, ठीक है। ये हो गया सवाल अपना। नेक्स्ट सवाल क्या आ सकता है,
नेक्स्ट सवाल आ सकता है पैरेलल कनेक्शन का। देखिए कैसे क्या है कि भाई हमें तो को यहाँ पर क्या हमें करना है कि भाई हमें सेकंड सवाल ये पूछ सकते हैं कि हमें 20 पिको फैराड बनाना है। क्या बनाना है? 20 पिको फैराड है और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 300 वोल्ट। कितनी होनी चाहिए? 300 वोल्ट। तो सोचिए इसके ऊपर कैसे क्या करोगे आप। 300 वोल्ट होना चाहिए तो कैसे दिमाग लगाओगे भाई? जो हमें नेट कैपेसिटर है वो होना चाहिए 20 पिको फैराड है और जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 300 वोल्ट। तो हमें कितने सीरीज में कितने पैरेलल में करने के सीरीज को पाउंड्स का है। और सोचिए इसको ढंग से कि सवाल में कैसे हैंड आउट करना है सवाल को। चलिए सोच लिया। अब देखो यहाँ पे हमें करना है 20 पिको फैराड और 300 वोल्ट का नेट कैपेसिटर तैयार करना। तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें छः रो बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। अब पता कैसे लगा? छः ही बनानी पड़ेगी हमें। देखो मैं लगा दिखा रहा हूँ कैसे क्या सोचना है। तीन कैपेसिटर लेंगे हम ऐसे, तो आप देखोगे तीन ऐसे लोगे तो ये कितना है? इसका वोल्टेज 100, इसका 100, इसका 100, तो सब है पैरेलल में। चलो वोल्टेज का जुगाड़ हो गया, ठीक है वोल्टेज का जुगाड़ तो हो गया। तो ये आप करोगे तो इसका सीनेट कितना होगा? तीनों सेम है, ठीक है तीनों सेम है। एक का कितना है? 10 है। तीन ऐसे कितने? 3 है। तो ये हो गया अपना 10/3 इसका नेट, 10/3 हुआ ना इसका नेट। एक का नेट 10/3 होता है। वैसे कितने? 6 है। कितने ऐसे? 6। तो यहाँ पर 10/3 इसका इसका नेट इस लिखोगे आप ऐसे, इसे 6 रो बनाओगे आप, 6 रो ऐसे बन गए। इसका होगा 10/3, इसका 10/3, इसका 10/3। ये कैसा है देखो, मतलब उसमें देखो मैं समझा देता हूँ कि जब भी आप क्या करोगे, जब भी ऐसे सेम है ना, कितने 1 2 3 सेम है, तो फॉर्मूला होता है एक का कितना है? 10। ऐसे कितने हैं? 3 है। तो ये होगा डायरेक्ट इसका नेट कैपेसिटर, ठीक है। ऐसे 4 होता तो डेढ़ क्या करोगे? 4 करोगे। तो मतलब वही है, कुछ है नहीं वैसे इसमें। 10/3 10/3 ऐसे कितना है इस सीरीज में? सब पैरेलल में है तो पैरेलल में होता है सम। तो 10/3 ऐसे है 6 2 2, तो कितना है? 20 पिको फैराड आ गया हमारा। तो ऐसे हमें कैसे करना चाहिए? तीनों करने ऐसे 6 रो बनानी है हमें, और एक रो में कितने? 3 3 कैपेसिटर डालने हैं बस। तो हमारा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल। सवाल में पूछा क्या है कि कुछ और डिमांड करा है कि भाई नेट कैपेसिटर हो 20 माइक्रो फैराड है और आपको वोल्टेज पूरे कैपेसिटर का हो 300 वोल्ट, तो उस केस में हमें कैसे अरेंज करना चाहिए, कैसे कितने को रखना चाहिए पैरेलल, कितने को रखना चाहिए सीरीज में। तो सवाल भाई हम देखते हैं आगे। सवाल नंबर थ्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ऐसा कुछ दिया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि 10 माइक्रो फैराड है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना। ये तो कनेक्ट किया इसको 12 वोल्ट की बैटरी से, लो ये कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट की सब बैटरी से, ठीक है। तो पूछा है कि प्लेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, ये पूछा है ना। तो प्लेट के ऊपर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? सी जी होता है क्या? क्यू बाई वी। तो सी इंटू वी कर देंगे मिल जाएगा क्यू। तो सी इंटू वी करा क्यू मिलेगा हमें 120 माइक्रो कूलम्ब। ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड चीज़ हमें ये पूछी है, हाउ मच चार्ज वुड बी ऑन द प्लेट इफ़ दिस सेपरेशन वेयर डबल वाइल द कैपेसिटेंस रिमेन, मतलब कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू द बैटरी। तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे? तो कैपेसिटर जो बैटरी जो है ना, अब देखो कैपेसिटर सी जी होता क्या है? एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। अब सेपरेशन कर दिया डबल, क्या करा? डबल करा, तो क्यू बाई वी सेपरेशन कर दिया डबल, मतलब एप्सिलॉन नया हो जाएगा ऐसे, सी डैश नया हो गया हमारा, सी डैश अपन 2D इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। तो कैपेसिटर जो है ना, पैसा हमारा हो गया सी बाई टू, तो हम लोग क्यू बाई वी।
तो वी सॉरी क्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, वी गया सामने तो सी वी बाई टू मतलब चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा आधा। तो पहले हमारा था कितना 120, तो कितना हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, और थर्ड में ये दिया गया है, थर्ड सवाल में हाउ मच चार्ज वुड बी ऑन द प्लेट इफ द कैपेसिटर वेयर कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट बैटरी आफ्टर द रेडियस ऑफ ईच प्लेट वॉज डबल्ड। मतलब कि जो प्लेट है ये सर्कुलर प्लेट है, कैसी प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, सवाल में दिया हुआ सर्कुलर प्लेट है। ठीक है ना, ये सर्कुलर प्लेट है तो इसकी जो रेडियस डबल कर दी है तो कितना चार्ज रहेगा। आप सर रेडियस डबल करिए ना, फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, तो सर्कल है तो उसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, तो एप्सिलॉन जीरो पाई आर हो गया डबल तो स्क्वायर डी, तो ये हमारा हो गया 4 एप्सिलॉन पाई आर स्क्वायर बाई डी, तो हो गया 4 एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, तो ये हो गया 4 इंटू सी हमारा 4 इंटू सी। ठीक है, तो चार्ज पहले कितना था 120 वोल्ट, 120 कूलम था ना, 120 कूलम, तो चार्ज हमारा नया हो जाएगा रेडियस डबल करने के बाद, चार्ज हमारा हो जाएगा 4 गुना 120 इंटू 4 करेंगे 480 माइक्रो कूलम, ये हमारा हो गया नया चार्ज। ठीक है, सवाल को देखे ध्यान से और देखे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया है सवाल को, उसी के बाद आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है, सवाल नंबर 4 देखे तो सवाल नंबर 4 में हम देख लेते हैं कि हमें एक कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस है 450 माइक्रोफेराडे और ये हमें दिया है 295 वोल्ट, इसे कनेक्ट किया है इसे। ठीक है, 295 वोल्ट से कनेक्ट किया इसको। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ, देखो मैं जूम करता हूँ यहाँ पर, दो प्लेट हुए कैपेसिटर की। अब करा क्या है कि ये जो है ना प्लेट को वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से, तो इस वायर में वायर से कनेक्ट किया है तो वायर में क्या होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस, ठीक है ना, हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, तो कितनी होगी वो मुझे बता दो बस, ये सवाल है। तो कोई बात नहीं, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी एनर्जी स्टोर होगी इन कैपेसिटर्स में, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, 1/2 CV² जितनी, तो 1/2 C, सी हमारा कितना है 295 इंटू वी कितना है 450 का स्क्वायर करेंगे हम, इसको हम सिंप्लीफाई करें 450 हमारा फेराइड है, मतलब 1/2 450 इंटू 450 इंटू 295 का होल स्क्वायर, 295 का होल स्क्वायर हम करें तो हमें मिल जाता है यहाँ पे इंटू 450, तो हमें कुछ बढ़िया सा आंसर मिलता है, तो इसको हम लिख देते हैं डिवाइड बाई टू, तो इसको लिखते हैं हम, हमारा मतलब यहाँ पर कैपेसिटर जो है ना वो माइक्रो फेराइड है ना, तो इसका आंसर कुछ आएगा 19.5 जूल, क्या आएगा आंसर 19.5, सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 19.5। एक बार चलिए फिर आगे हम देखते हैं एक नया न्यूमेरिकल, एक अलग वैरायटी का सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिए, सवाल में क्या दिया गया है, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में क्या दिया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम, वैक्यूम है पूरा सेटअप, ये 0.5 mm दूर है, उसके एरिया जो दिया है आपको, एरिया आपको दिया है 2 मीटर क्यूब, इतना एरिया आपको दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको कनेक्ट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस वो आपको दिया है 10,000 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें निकालना है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें निकालना है, और चार्ज कितना होगा एक प्लेट के ऊपर वो भी हमें निकालना है। तो कुछ है नहीं सवाल में, सी फोन एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10^-12, तो ये आपको दिया है, और डी जो एमएम में दिया उसको कर लो मीटर में,
तो सिंपलीफाई करोगे आप तो माइनस एट पावर बची और 8.85 इंटू टू करोगे डिवाइड बाई करो 5.85 इंटू टू डिवाइड बाई करो 5 तो हमें आंसर मिलता है 3.54 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, ये हमें आंसर मिला, कैपेसिटर हमारा ये हुआ। देखिए इसको ध्यान से और चेक करिए, ये हमें मिला इसका आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी 10 टू द पावर माइनस 12 है तो आई थिंक आएगी 9 पावर माइनस 9। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पूछा है, अब पूछा जाए चार यून ईच प्लेट, तो चार यून ईच प्लेट क्या होगा, चार यून ईच प्लेट कैसे निकलेगा, सी इज इक्वल होगा क्यू बाई वी, तो क्यू यहाँ से कैसे निकलेगा, सी इंटू वी, तो सी हमने निकाल लिया, सी क्या 3.54 10 टू द पावर माइनस 9, तो वी कितना 10,000 वोल्ट, तो 3.54 तो 5 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, काट लो 4 जीरो, ये बचा हमारा, ये इतना चार्ज होगा। ठीक है, इतना हमारा होगा चार्ज, प्लेट्स का इतना चार्ज होगा ना हमारा। फिर हमें ये पूछा है, फिर हमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन देम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू ई डी होता है ना फॉर्मूला पोटेंशियल का, तो यहाँ से ई निकाल लो, ई हो जाएगा अपना वी बाई डी, तो हमें निकालना है वी बाई डी, पोटेंशियल कितना दिया 10,000, लो या 10,000, डी कितना दिया, मैं डी दिया 5 × −3, तो 10^4 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो ये अपना कुछ हो जाएगा 1/5, मतलब हुआ आधा, तो सॉरी 1/5 है तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, तो 2 × 10^6। ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सवाल को ध्यान से समझिए, कैसे क्या आंसर इसका दिया है। अब बढ़ते हम आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए सवाल नंबर सिक्स ध्यान से देखिएगा, तो सवाल नंबर 6 में क्या पूछा है, थोड़ा अच्छा सवाल है। तीन कैपेसिटर दिए, एक तो दिया है हमें 8.4 माइक्रोफेराइड है, दूसरा हमें दिया है 8.2 माइक्रोफेराइड है, और तीसरा हमें दिया है 4.2 माइक्रोफेराइड है। मैं सवाल भी साथ में दे दिया करूँगा ताकि आप पढ़ो और समझो कैसे क्या होता है। ठीक है, सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 में देखिए इतना दिया है और तीनों को किया सीरीज में कनेक्ट, इसमें कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, इसको देखिए ध्यान से, कैमरा थोड़ा हिल चुका है देखिए, तो इन तीनों को कनेक्ट किया है भाई साहब सीरीज कनेक्शन में, तीनों को कर लेते हैं सीरीज में, तो देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे 8.4.2 सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये लोग कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो यहाँ पर 36 वोल्ट है, कितना है 36 वोल्ट। तो पूछा ये है कि व्हाट इज द चार्ज इन 4.2 कैपेसिटर, मतलब ये जो है ये होगा 8.4, 8.2, 4.2, तो इसका हम नेट कैपेसिटर निकाल ले, तो इसका नेट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, ये होगा अपना C1, C2, C3, तीनों कैसे पैरेलल सीरीज में, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम इन दोनों का निकालते हैं, तीनों का सी डेज होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू दो, अपन दोनों का सम अपन टू, तो ये हमें कुछ मिलेगा 8.4 × 8.2 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 68.88, अपन में हम करेंगे तो 16.6 हमें मिला आंसर, तो 16.6 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 68.88 को डिवाइड करेंगे 16.6, आंसर मिलेगा 4159, मतलब आप इसको करीब क्रिएट कर सकते हो 4.15 अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सुन लिया सकते हो, ट्रीट कर सकते हो।
चलिए फिर आगे हमें क्या दिया गया है, फिर आगे हम बढ़े तो इन दिनों का सीनेट हो गया, अब इनकी बारी, तो ये भी क्या पूरा इसका इसका सीनेट इसके किस में है, सीरीज में है, इसका भाई यही आर्ट होगा, तो सी डबल टेस्ट हम रखो दे रहे हैं, गुना का मल्टीप्लिकेशन 4.5 इसका सीनेट 4.15 आया इंटू 4.2 अपन दोनों का सम 4.15 प्लस 4.2, ठीक है ये होगा, तो इसको 4.15 इंटू 4.2 हम कर देते हैं तो हमें मिलता है 8.35, तो हमें मिलता है 2.87 माइक्रोफेराडे, ठीक है ना, ये हमारा माइक्रोफेराडे में है तो आंसर भी माइक्रोफेराडे में आएगा, तो सीनेट मिला है ये, तो हमें चाहिए टोटल चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू होगा सीनेट अपन वी, क्यू इज इक्वल टू सी होता है ना, गलत हो गया भाई, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4.2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो भाई ये जो है ना यहाँ इतना चार्ज फ्लो होगा सब सीरीज में तो सबके ऊपर कितना सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे C इंटू क्यू हमारा कितना है वो निकाल लेंगे, तो C नेट कितना होगा 2.8587 इंटू V कितना है 36, ये हमारा हो गया Q, तो हम ये करेंगे 2.87 इंटू 36 हम कर देंगे तो हमें मिलता है 75.14 और मिलता है आंसर 75.14 कूलम माइक्रो, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल थ्री कैपेसिटर, कि तीनों कैपेसिटर में मिला के कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो हमें निकालना है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, सी यू इज इक्वल टू होता है 1/2 CV² कितना होता है 1/2 CV², यहाँ पर सी क्या आएगा हमारा सी नेट, सी नेट में क्या मिला 2.087, तो 1/2 2.087 वी स्क्वायर हमें अप्लाई किया 36 का होल स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है इंटू 2.087 डिवाइड बाई 2, तो हमें मिलता है ये मिला हमें 1352.376 जूल एनर्जी, इतनी स्टोर होगी तीनों कैपेसिटर में मिला के, ठीक है ना, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें। अब हमारा अब क्या सवाल पूछा हमें इसमें, और ट्विस्ट हमें दिया है, ट्विस्ट हमें ये दिया है कि तीनों कैपेसिटर को कर लिया डिसकनेक्ट, क्या कर दिया डिसकनेक्ट, और तीनों को आपने जोड़ दिया पैरेलली, देखो यहाँ पर कैसे तीनों जो थे ऐसे तीनों को कर दिया डिसकनेक्ट और कर दिया आपस में कनेक्ट पैरेलली, ठीक है ऐसा किया इसमें, चलो बड़ी बात है फिर से। तो पूछा ये है कि इन तीनों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सवाल है कॉमन पोटेंशियल का सवाल है, तो तीनों इसके ऊपर चार्ज कितना है 75.14 इसके ऊपर कितना है 75.14 माइक्रोकुलम भी माइक्रोकुलम, तो फॉर्मूला होता है क्या, ये सी इक्वल होगा क्यू बाई यहाँ पर क्यू टोटल और यहाँ पर क्या होगा सी टोटल, यहाँ पर मिल जाएगा वी, तो वी इक्वल होगा हमारा Q टोटल डिवाइड बाई C टोटल, तो Q टोटल हमारा कितना है 75.14 करोगे आप 75.14 करोगे तो 75.14 इंटू 3 करोगे ना टोटल चार्ज, तो वही है टोटल चार्ज कितना इसके ऊपर इतना इसके ऊपर इतना इसके ऊपर इतना तीनों का टोटल करोगे सर्किट का, तो कितना करना पड़ेगा 75.14 इंटू 3 कर दोगे आप, तो हमारा आंसर कुछ आ रहा है 225.42 डिवाइड बाई तीनों का सी नेट, तीनों का सी नेट क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में तीनों का क्या होता है सम होता है, तो सम हम क्या होगा तीनों का सम 20.8 के आसपास कुछ होगा, तो 20.8 के आसपास कुछ होगा 225.42 डिवाइड बाय 20.8 ये मेरा कुछ आएगा करीब करीब 11 वोल्ट, कितना आएगा 11 वोल्ट, चलो अच्छी बात है। अब क्या पूछा कि अब इन तीनों में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वही फॉर्मूला यू इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 CV² तो 1/2 सी कितना है इसका सी नेट हमारे मिला तीनों का मिला गया 20.8 इस केस की बात कर रहा हूँ मैं इंटू वी, वी कॉमन कितना हो गया 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 to 1
इंटू 20.8 डिवाइड बाई 2 हम कर देंगे तो ये हमें कुछ मिलता है एनर्जी 12584.4 जूल ये हमारी होगी एनर्जी, ठीक है, इंटू -6 आएगा इंटू जूल, ये हमारा हो गया आंसर। ऐसा कुछ देखो यहाँ पे तो यू हमारा हो गया 1/2 CV² = 1/2 सी कहाँ सा है इनका पूरा सर्किट का सी ले जाओ सर्किट का सी वी स्क्वायर हो गया 11 कॉमन कितना आया था 11 आया था ना इसका तो 12584 × 10⁻⁶ ए सी इसका है, ठीक है। देखिए अब नया सवाल 13 देखते हैं।